अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़ी सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दु सना तो बाद दुरूद सलाम बरगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा नबी करम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात वाइस तख्लीक़ी कायनात सदरे बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिराज शरीफ दे माह मुकर्रम दे हवाले नाल मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा आप आप समात फरमा रहे हो। सबका जुम्मतुल मुबारक नो आपका आप अहबाब ने समात फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक ते तशरीफ फरमा हुए और बैठने की कैफियत कैसी सी आप अहबाब ने बड़ी तफसील नाल समात फरमाया। अलगर्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सवारी टुर पई। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि मैं बैतुल्लाहम ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी जाए विलादत ते दो नफल अदा कीते। कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फइज़ा मररतु बिकब्र मूसा फइज़ा हुवा क़ाइमुन यसद्दी फी कब्री। फरमाया मररतु बिकब्र मूसा मैं मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र तो गुजरिया फइज़ा हुवा क़ाइमुन यसल्ली फी कब्रिही मैं देखिया कि वो कब्र दे विच नमाज पे पढ़दे। हालांकि कब्र के अंदर नमाज नहीं मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र च नमाज पढ़ रहे और हुजूर फरमाते ने मनरतु बिकब्र मूसा, मैं मूसा की कब्र तो गुजरिया तो कब्र के बीच नमाज तो पढ़ते। किस तरह हो सकता है कि कोई मेहमान आवे तो मेहमान वो आवे कि जिदियां कई सदियां इंतजार कीतियां होवन, जो पता चले कि मेहमान बिल्कुल दरवाजे के कोल आ गए तो बंदा दो रकात नमाज नफल नियत करके खड़ा हो जाए, मुमकिन नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र च नमाज क्यों पढ़ रहे? पता भी है कि महबूब खुदा दे तो गुजर होना है, इंतजार भी बड़ा है। सल नमाज नू भी कहते हैं, सल दरूद नू भी कहते हैं अरबी के अंदर। तो फैजा हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, हजरत मूसा कब्र के अंदर नमाज नहीं दरूद पे पढ़ते, हालांकि पोजीशन नमाज वाली है कि हाथ भी बंदे ने, गर्दन भी नीवी है, अदब मुस्तफा है। शबे में राज कब्र च हजरत मूसा नू जब खबर हुई कि हुजूर गुजरन लगे ने, उठ के महबूब के अदब च खड़े हो गए। आख्या फजा आ मुहम्मद सिराज मुनीरा सल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। आला हजरत ने दा तर्जमा इंज फरमा के शबे असरा के दूला पे दायम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम कब्र दे विच नबी पाक ते दरूद और सलाम पढ़ने वास्ते खड़े हो गए। ग्रामी कदर हजरात, अगर मैं सिर्फ कब्र मूसा ते बात नू खड़ा करके ते हवालत देवां ते इत्थे निकाह तर्ज करां, इत्थों की मिलदा है, अकायद कैसे मजबूत होंदे ने, तो बड़ा वकदरकार है। पूरे जुमे दा खुतबा इस गल ते हो सकदा है कि नबी करीम ने देखा कि मूसा कब्र दे विच नमाज पे पढ़ते हैं, पूरा जुमे का खुतबा ये हो सकता है। बस एक दो बात करके मैं आगे गुजर जावा। नबी करीम अलैहिस्सलाम बुर्राक ते सवार ने, ते मूसा अलैहिस्सलाम कब्र दे विच नमाज पे पढ़ते हैं। बुराक की रफ्तार इतनी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिथे तक नजर जाती है उथे तक उदा कदम जाता है। याद रखिएगा कि रफ्तार जितनी तेज होवे मुशाहिदा उतना कमजोर होता है। मिसाल देके अर्ज करा, हुन को साथी इथों अगर जहाज ते बैठ के गुजर जावे उदी रफ्तार बड़ी तेज होगी। अगर कोई दोस्त इस्लामाबाद तो फ्लाइट से बैठ के लाहौर फ्लाइट से आवे तो वह तकरीबन कमो बेश आधे घंटे च पहुंच जाएगा। उन्हें नहीं पता चलिया कि मेरे रस्ते के अंदर खारियां भी आए, जेहलम भी आए, गुजरात भी आए, लाला मूसा भी आए, गुजरांवाला भी आए, बस मैं वो आधे घंटे च क्रॉस करके चला गया। उन्हें नहीं पता चलिया कि मेरे रस्ते च किड़े किड़े स्टाप आए, क्योंकि रफ्तार बड़ी तेज है। रफ्तार तेज हो गई तो मुशाहिदा कमजोर हो जाता है। वही शख्स अगर इस्लामाबाद तो बैठ के कार से लाहौर जावे उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई, मुशाहिदा तेज हो गया। उन्हें देखा कि मेरे रास्ते के अंदर काफी सारे शहर आए हैं, उन्हें हर शहर का मुशाहिदा किया। उन्हें पूछा जाए कि तेरे कोल तो जो साइकिल से नौजवान गुजरिया वो कौन सी, कहेगा मैं नहीं देखा क्योंकि मेरी रफ्तार तेज थी। वही शख्स अगर मोटरसाइकिल से गुजरे तो मुशाहिदा मजीद तेज हो जाएगा। वो मोटरसाइकिल से गुजरदा देखेगा कि फुला बंदा फुला काम कर रहा सी, फुला बंदा फुला काम कर रहा। वही शख्स अगर साइकिल से गुजरे तो उसका मुशाहिदा मजीद ज्यादा हो जाएगा। वही शख्स अगर पैदल गुजरे तो वो देखेगा मेरे कोलों कौन गुजरता, आंदा जांदे नाल सलाम भी लवेगा। वो देखेगा कि कौन शख्स केड़ा काम कर रहा है, उसका मुशाहिदा तेज हो जाएगा। बैठे बुराक दे ने ते देख रहे ने मूसा कब्र दे विच नमाज पे पढ़दे ने, उदी रफ्तार वेख ते उदा मुशाहिदा वेख। काश तुसी सुभान अल्लाह फरमा देते। रफ्तार देखो कितनी तेज है कि जिथे तक नजर जा रही उथे तक बुराक दा कदम जा रहा है। ते मुहम्मद दा मुशाहिदा देखो कि इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद वेख रहे हैं कि कबर के विच मूसा नमाज पे पढ़ दे रहे हैं। उस मुस्तफा के मुशाहदे की क्या बात है। वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखा मूसा कबर विच नमाज पढ़ रहे, हालांकि कबर च नमाज नहीं, वैसे जिंदा सन ते पढ़दे सन। बोलो सुभान अल्लाह। जे तुसा इंज दी सुभान अल्लाह फरमानी ते मैनू इंज दी तकरीर भी आंदी। उर्दू च लेक्चर दे लिए सौखा जिहा काम आउंदा है, ना हेंग लगे ते ना फटकरी ते रंग भी चोखा। ते जे तुसा तकरीर सुननी है फिर सुभान अल्लाह फरमाओ। आया मैं उकाड़े तो हाँ, जाना मैं हूँ बूरे वाला बिहाड़ी, बहुत लंबा सफर है, मैनू इन्नी सुभान अल्लाह दे दो मेरा शाम तक गुजारा हो जावे। मैं सफर करके थोड़ी जियारत करना आना हर जुमे के हजूर दे दीवाने आना, उन्हें मैं जाके जियारत कर लवा अपना के नाल दा हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलो। कौलें वाली ने इरशाद फरमाया, फैजा हुआ कायम युसल्ली कब्र ही। मेरे नबी ने फरमाया, मैं देखा मूसा कबर दे विच पे नमाज पढ़दे ने। उन मूसा कबर दे विच ने, मेरे आका कबर दे बाहर ने। कबर दे बाहर खलो के कबर दे विच नहीं वेख्या जा सकदा। मेरे नबी ने दसिया, मेरे गुलामो अपने नबी नु कोई अपने वर्गा ना जाने आ जाए जेड़ा कबर दे बाहर खलो के कबर दे विच वेख सकदा है, ओ कबर दे विच रह के पार भी वेख सकदा। सुभान अल्लाह। किधरे मुहम्मद नु बेखबरा नबी ना समझ आ जाए। एक कबर दे बाहर रहन ते कबर दे विच वेख लेंदे ने, कबर दे विच चले जावां ते बाहर वेख लेंदे ने। ए अल्लाह ने मुस्तफा नु निगाह अता फरमाई है। फरमाया, फरीदा हुआ कायम युसल्ली फी कबरी, मूसा कबर विच नमाज पे अदा कर दे। बस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मेरा बुर्राक गुजर गया, इहदे ते मैं मजीद मुफसल गुफ्तगू करा। अगर मैं अंबिया दी हयात ते गुफ्तगू करा कि नबी जिंदा ने कि नहीं, इहदे ते अलहदा बहस हो सकदी। कबर हजरत मूसा दे नमाज पढ़ दी कैफियत अर्ज करिए तो अलहदा बात है, मेहमान दे इंतजार ते करिए तो अलहदा बात है, मेरे आका दे मुशाहदे ते बात करिए फिर तो बहुत बात अगे चली जाए। मगर असी चली अगे, एक बड़ा लंबा सफर रहा जाए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि राह विच मैं बड़े नज़ारे कीते, बड़े लोगों को अजाब होंदा देखिया, उन्हां दियां भी अलहदा कैफियत सन। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं देखा कि कुछ लोग सन जिन्हां दे सारा नूं फरिश्ते पत्थर दे नाल कुचल देंदे ने, अल्लाह करीम उन्होंने दोबारा सर अता कर दे, फरिश्ते फिर कुचल देंदे ने। पूछे कौन ने? जिब्रील अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह बेनमाजी ने, फजर दी अजान होंदी ते सुते रहंदे, सिर नूं इस वास्ते कुचलिया जा रहा है कि इस सिर दे अंदर दिमाग ही जिहड़ा सुता रहा, उन्हें नमाज क्यों नहीं पढ़ी, उठाया क्यों नहीं, सुस्ती क्यों की थी, इस वास्ते सार कुचले जा रहे। कुछ लोगों ने औरतों को उल्टा लटकिया देखा। पूछा गया कौन? आख्या बारीक लिबास पहनने वाली औरतें। कुछ लोगों दी जुबान कटिया जा रही। पूछा जा रहा कौन? फरमाया वो खतीब जेडे मिंबरां ते बैठ के गल्लां ते बड़ियां लज्जत वालियां करदे सन पर अमल नहीं सन करदे, आप अमल नहीं सन करदे। उन्हां खतीबां दीयां जुबानां कैंची नाल कटियां, अग दी कैंची नाल कटियां जा रहियां। कि अल्लाह फरमांदा है, लिमा यकूलून मा ला तफअलून, जो कहंदे हो करदे क्यों नहीं, क्यों नहीं हो करदे जो आप कहंदे हो। उन्हां खुतबा ते उन्हां खतीबां दीयां जुबानां नूं कटिया जा रहा है। बड़े मुशाहदात नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मैं करदा करदा मस्जिद अक्सा आ गई। उन मस्जिद अक्सा दा अल्लाह ने कुरान तारुफ की पेश किया। पढ़िए कुरान, और जोर लगा के बोलो। अल्लाह ने रिजा फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लजी बारकना हौलहु। अल्लाह ने रिजा फरमाया, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक असा अपने यार नु मिराज कराई। ए नबी करीम दी जमीनी में राज दा जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दी बारकना हौला, अल्लाह ने फरमाया ओ मस्जिद अक्सा किते इर्द गिर्द अल्लाह दियां बरकतां ने, अल्लाह दियां रहमतां ने। नौजवानों कायनात दे अंदर बड़ियां मस्जिदां ने, हर मस्जिद दे अंदर अल्लाह दियां बरकतां ने। ओ मस्जिद दी बारी आई, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, फरमाया ओदे अंदर ते बरकतां है नहीं। ओ मस्जिद जिदे बाहर भी अल्लाह दियां बरकतां ने, जिदे बाहर भी अल्लाह दियां बरकतां नाज़िल, अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल होंदियां ने। उलमा फरमांदे ने मस्जिदां दे अंदर बरकतां होंदियां, ओदे अंदर ते बाहर भी बरकतां इस वास्ते क्योंकि मस्जिद अक्सा दे इर्द गिर्द अल्लाह दे नबियां दे मज़ार ने, अल्लाह दे नबियां दियां कब्रां ने। पता चलिया जिथे अल्लाह वालियां दियां कब्रां होन उत्थे बरकतां नाज़िल होंदियां। जिन समझ आ रही बात दियो बोले सुभान अल्लाह। असी एवं नहीं दाता साहब जाते, असी एवं नहीं बाबा मुल्क शाह वाली दरबार शरीफ ते जाते, सानू पता है इत्थे बरकतां नाज़िल होंदियां ने। ते बारिश नाज़िल होंदी होवे ते बंदा खड़ा हो जाए ते कोई ते छींटे जिस्म ते पै ही जांदे ना। असी इस वास्ते अल्लाह वाले दी बारगाह च जाने क्योंकि अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिथे अल्लाह वाले दे मज़ार ते कब्रां उत्थे खुदा दियां रहमतां नाज़िल होंदियां ने। और जाए हैरत नहीं नौजवानों, नबी करीम फरमा रहे ने मैं शब मिराज कब्र मूसा देखी, नबी करीम फरमा रहे ने मैं मस्जिद अक्सा देखी, हजूर फरमा रहे ने कि मैं फलां फलां नबी नूं मिलिया। मैं अगे जाके अर्ज करना, मगर मैं इत्थे एक बात अर्ज करना चाहना। अल्लाह कुरान च फरमा रहे लिनुरियहु मिन आयातिना, असा महबूब नूं मेराज इस वास्ते कराई ताकि अपनियां निशानियां विखाइए, अपनियां निशानियां विखाइए। हजूर फरमाते ने मैं कब्र मूसा वेखी, अल्लाह फरमांदा असा यार नूं मेराज इस वास्ते कराई अपनियां निशानियां विखाइए। हजूर कब्र मूसा वेख रहे, पता चलिया जेड़ा अल्लाह वालियां दियां कब्रां होंदियां ने रब दियां निशानियां होंदियां ने, रब दियां निशानियां होंदियां जेड़ियां अल्लाह दे वलियां ते नबियां दियां कब्रां होंदियां ने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा आ गई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज की या रसूल अल्लाह बुर्राक तो नीचे तशरीफ ले आओ, हुजूर नीचे तशरीफ ले आए। हदीस पाक चाहता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उंगली नाल इस तरह सुराख किया, इशारा किया तो सुराख हो गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उस सुराख दे विचों बुराक दियां मुहारां गुजार के ते गिरा लगा दी, बुराक नूं बंद दिता। अंदर नबी सारे नबियां दियां सवारियां जदों मस्जिद अक्सा दे अंदर नबी नमाज पढ़न आंदे सन ना, जदों नबी बनी इसराइल दे जिंदा सन सारे ज़ाहरी हयात तैयबा च, इत्थे नबियां दियां सवारियां बचदियां सन। सारे नबी पहले मौजूद ने, उन्हां दियां सवारियां यकीनन बदियां होणगियां या नहीं भी बदियां, मगर जदों हुजूर दी सवारी गई जिब्रील ने सुराख कीता पत्थर दे अंदर ते हुजूर दे बुराक नूं बंद दिता। इह तां हदीस हो गई, मगर सोचण वाली गल इह वे कि सवारी ते ओह बंदे दी जिहदे दौड़ जाण दा खतरा होवे, है ना भाई। ये तो वह बुराक जो 40,000 साल इस नौकरी वास्ते रोंदा रहा कि हजूर दी दर दी नौकरी मिल जावे, इन्हें केड़ा दौड़ जाना। आओ ना तसव्वुर च जाके जिब्रील नूं पुछिए जिब्रील इन्हों क्यों बन दियो, इन्हें केड़ा दौड़ जाना है। ते जिब्रील आबाद दे के फरमावणगे इन्हें नहीं दौड़ना, मैं मुहम्मद दी सवारी बन के उन्होंने दसना चाहना जेडे अड्डियां चुक के कहते ने मैं नबी वर्गा, मैं उन्होंने दसना चाहना चलिया होश कर, ये ओदियां रीसां करना जिदियां सवारियां जिब्रील वर्गे बनते फिरदे ने। रीसां ओदियां करना जिदियां सवारियां जिबरील वर्गे बनते फिरते हैं बस जिबरील मुस्तफा की सवारी नो पत्थर नाल बंधिया। अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह मस्जिद के अंदर तशरीफ ले चलो। सरकार जब तशरीफ लेके आए 1,24,000 नबी कमो बेश सारे सच्चे नबी सच्चे सारे ही आए ते झूठा एक नहीं आया। कोई एक हदीस विखाओ कि उथे कोई मिर्जा कादियानी भी आया हो नहीं ना क्योंकि उथे सच्चे आए। तुसी हौला सुभान अल्लाह बोल के मेरा जुमला जाया कर देता है। हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। इन्हों अपने नबी दी खत्मे नबूवत ना प्यारे हो बोले सुभान अल्लाह। याद रखिएगा मुसलमान होने वास्ते जिन्ना कमली वाले नु नबी मनना जरूरी है मुसलमान होने वास्ते उतना ही कमली वाले नु आखिरी नबी मनना जरूरी है। जिंदाबाद शाबाश। आमीन। सारे सच्चे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर हाजिर ने। कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए मैनू सच्ची दसो नबियां किवें इस्तकबाल कीता होएगा। जब सरकार मस्जिद अक्सा के अंदर आए होणगे ओ मेरा ईमान कहंदा नबियां भी आख्या होवेगा कि रहमतां बरतोन वाला आ गया रहमता बरतौन वाला। अपना दिन आदेदा हाथ चुके लहरा के हुन मेरे नबी दी आमद दा जिक्र करिए। नौजवानों शोर पा दियो रौला पा दियो क्योंकि अल्लाह कुरान च कहंदा जदों नबी आवे जश्न मनाया जे। हुन कमली वाले मस्जिद अक्सा दे अंदर आए ते नबी पे परदन रहमता बरतौन वाला। केड़ा मनदा आ गया बोले रहमता बरतौन वाला। जुबान अल्लाह ने गाला कटन वास्ते नहीं झूठ बोलन वास्ते नहीं अपना ते यार दा जिक्र करने वास्ते दी है। पढ़ो रहमता बरतौन वाला। थोड़ा होर उच्चा बोलिया जे रहमता बरतौन वाला। ए रहमता बरतौन वाला आ गया ए सबन सीने लौन वाला। सबन सीने लौन वाला। नौजवानों मेरे आका तशरीफ ले नबियां दियां सभा दे अंदर सैयद आलम भी खड़े हो गए। नौजवानों नबियां ने इस्तकबाल किया। जिबरील ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ के अर्ज की अल्लाह इत्थे सारे नबी ने मुसल्ले ते किन्नू खड़ा करना है या अल्लाह सारे नबी ने। अल्लाह फरमाए जिबरील जेड़ा सोना लगदा मुसल्ले ते खड़ा कर दे। जिबरील ने कमली वाले दा दामन फड़िया मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। फरमाया जिबरील वेख मेरा पापा आदम पीछे खड़ा हुई मेरा दादा इब्राहिम पीछे खड़ा हुई अल्लाह ना गल्ला करने वाला मूसा भी खड़ा हुई फुका मार के मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा भी खड़ा हुई पूरी कायनात का शहनशाह सुलेमान भी खड़ा हुई। नौजवानों हुसैन दी नगरी दा ताजदार यूसुफ भी खड़ा है। जिबरील अर्ज की कमली मालिया ये फैसला मैं नहीं किया अल्लाह ने किया। मैं पूछया सी या अल्लाह मुसल्ले ते किन्नू खड़ा करा। अल्लाह फरमाया जेड़ा सोना लगदा कमली वाले आओ मैं सिदरतुल मुंतहा ते जाती मारी। मैं जमीन दी तातु सरा च वेखिया मैं जमीन दी पताल च वेखिया मैं कायनात दे मशरिको मगरिब वेखे मैं नबियां दियां सफा च जाती मारी। तेरे जिया सोना मैनू लब्भा ही कोई। सुभान अल्लाह, तेरे जैसा सोना मैनू, तेरे जैसा सोना मैनू लभा ही कोई नहीं, तेरे जैसा सोना मैनू लभा ही कोई नहीं। मेरे जुमले ते गौर करा जे, तेरे जैसा सोना मैनू, वो जिन्हें 1,26,000 नबी वेखी, कहता तेरे जैसा सोना मैनू लभा ही कोई। उम्मती अड्डियां चुक के आखे मैं नबी वर्गा, पर जिबरील कहता तेरे जैसा मैनू लभा ही कोई। आफाक मेहरे बुता वर्जीदम बिसियार खूबादीदम लेकिन तू चीजें दीगरी आफाक गर्दीदम। अच्छा, जिन्हों जिबरील फड़ के मुसल्ले ते खड़ा कर दे, नबियां दे मुसल्ले ते किसी नबी ने भी इतराज। अच्छा मैनू सच्ची दसो, सारे नबी सन ते कमली वाले भी नबी? अल्लाह फरमांदा ला नुफर्रिकु बैना अहदि मिन रुसुली, असी नबियां ते रसूलां च फर्क नहीं करदे। नफ्से नबूवत दे अंदर सारे नबी बराबर ने। आसान करके अर्ज करा, बिला तशबीह अर्ज करा, MNA सियालकोट दा होवे, MNA लाहौर दा होवे, MNA फैसलाबाद दा होवे, MNA इस्लामाबाद दा होवे, भाई MNA होंच ते सारे बराबर ही ने ना। दर्जाबंदी अपनी अपनी है, कोई वजीर बन जाता है, कोई मुशीर बन जाता है, मगर MNA हों तो सारे बराबर ने। बिला तशबीह बिला तमसील अर्ज कर रहे हैं, नबी हों तो सारे नबी बराबर ने, क्योंकि सारे ही नबी ने भाई। सारे नबी नबूवत कमली वाले दे शरीक सन ना। हक बनता सी कोई नबी बोल के कह सकता सी, यार ये भी नबी मैं भी नबी, ये मुसल्ले ते खलो रहा मैं क्यों नहीं खलो सकता? सच्ची दसो, जेडे मुहम्मद दे शरीक सन जिन्हां दा हक बनता वो तो बोलो ही नहीं, ते जेड़ा नबी दा शरीक ही नहीं है भी उम्मती, वो बोल के आखे मैं नबी वर्गा। मैं कदे इख्तिलाफी गल नहीं कीती, पर अपना अकीदा बयान करना मेरा हक है कि मैं सच्चा ना, मैं मिंबर रसूल ते बैठा, मैं सुननी आ ना, मैं सच्चा वा ना, मैं अपना क्यों ना अकीदा बयान करा। पता चले आपको नबी जिन्हां दा हक बनदा सी बोल ही नहीं। ये भी पता लग गया जिन्हों नबियां दे मुसल्ले ते जिबरील खड़ा करे को नबी एतराज नहीं करदा, ते जेड़े सिद्दीक नूं कमली वाला अपने मुसल्ले ते खड़ा कर देवे। कोई है जेड़ा सिद्दीक दी इमामत ते इनकार करे? जेड़े सिद्दीक अकबर नो मेरा नबी अपने मुसल्ले ते खड़ा कर दे। जिबरील ने भी हाथ जोड़ के अर्ज की, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है? यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है? मैं पढ़ना, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी। अच्छा, जिन्हों लगता वाला हाथ खड़ा करके आखे कमली वाले तेरी क्या बात है, हाथ नीवा ना करे, नीचे ना करे, हाथ खड़े रखो। ते बस जदों मैं आखा ना तेरी, ते आखा जो क्या बात है। मैनू कसम रब्बे मुहम्मद दी दुनिया ते कह कमली वाले तेरी क्या बात है, जे तेरी कबर ते हशर च बात ना बन जावे क़यामत नू मेरा गिरबान फड़ लिया जे। कह ते सही सोहणिया तेरी, जिन्हों हजूर दा कलमा पढ़ के नाज आउंदा ना, कदे कदे वो बोले कमली वाले तेरी, फिर बोलिया जे तेरी। आइए मिलके पढ़िए, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अपिया तेरी 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 क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। ए हबीबे खुदा तेरी बात है। आमीन आमीन आमीन। वे साढ़िया माइया तेरी, वे साढ़िया डोलना तेरी, वे साढ़िया सोहणिया तेरी, क्या बात है तेरी माइया। बस मेरे नबी मुसल्ले थे 1,24,000 कमोबेश नबी जेडे पहले आए वो पिछे ते हजूर मुसल्ले थे। 2 रकात नमाज पढ़ाई मेरे नबी ने नबियों। पहली रकात के अंदर सूरतुल काफिरून पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकात मेरे नबी ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरे अखलास पढ़ी। फजर दी सुन्नतां दे अंदर अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात सूरे काफिरून पढ़ते सन ते दूसरी रकात कुल हुवल्लाहु अहद सूरे अखलास पढ़ते सन। ये सुन्नत है हुजूर दी, ये बड़े फायदे ने पढ़िया करो। गिरामी कदर हजरात 2 रकात नमाज मेरे नबी ने पढ़ाई। मस्जिद अक्सा मेरे नबी तो पहले हर नबी दा किबला सी, ठीक है जी। अच्छा सोचने वाली गल है, मिराज ते करानी थी कमली वाले ने, अल्लाह ने अपने महबूब को चाहिए ते सीना के बैतुल्ला शरीफ चो बैतुल हरम चो मस्जिद हराम चो सरकार नूं लै के अरशे उला ते जांदे, अब अरशे उला तो अगे अपना दीदार करांदे ते वापस छोड़ जांदे। फिर मस्जिद अक्सा क्यों ला के गए भाई? 1,24,000 नबियां नूं मेरे नबी मिले या मेरे नबी मस्जिद अक्सा गए, ये मेरे नबी जी मेराज ते नहीं ना। बोलो ये मेरे नबी दी मेराज ते नहीं ना, इतने मस्जिद अक्सा दी मेराज है। मेरे नबी अगर पहले दूसरे तीसरे 7वें आसमान ते गए ना ते मेरे नबी दी मेराज ते नहीं ना, इतने आसमाना दी मेराज है। हजूर अगर सिदरा ते गए ना ते मेरे नबी दी मेराज ते नहीं ना, इतने सिदरातुल मुंतहा दी मेराज है। मेरे करीम आका अगर बैतुल मामूर ते गए ने ते बैतुल मामूर दी मेराज हुजूर दी मेराज ते नहीं ना। अगर हुजूर अर्श ते भी गए ने ते ए ते अर्श दी मेराज है ना, फिर कमली वाले दी मेराज की है? नबी करीम ने जदों रब दा दीदार कीता ए मुहम्मद दी मेराज है। इस तो पिछे जित्थों मेरे नबी गुजर के आए उस चीज दी ते उस फर्द दी मेराज है। पता चलिया जे कमली वाले सिर्फ आप मेराज नहीं कर चले, पूरी कायनात नूं मेराज करा के चले ने। चाहिदा ते इसी मेरे नबी नूं मस्जिद हराम तो सीधा मेराज ते ले जांदे, दीदार करा के वापस छोड़ जांदे। एडा लंबा सफर मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा दा क्यों कराया, उधर क्यों लेके गए? वजह भी ते कोई होनी चाहिदी सी ना। असल मेराज ते ओ सी, इधर क्यों? ग्रामीण मुसलमाना दा किबला ते बैतुल्ला है, सारे नबियां दा मस्जिद अक्सा किबला सी। हुण नौजवानों चाहिदा ते असी नबियां नूं बैतुल्ला च बुलाया जांदा ते आख्या जांदा आओ मुहम्मद दी इमाम च नमाज पढ़ लो, पर नबियां ने आख्या तुसी अपने किबले च जाओ। कमली वाले ने आख्या सुनिया उस मस्जिद अक्सा च जाके नबियां नूं नमाज पढ़ा जा। अर्ज कीती या अल्लाह चाहिदा ते असी नबियां नूं इत्थे बुलाया जांदा पर नबियां नूं उत्थे भेज के कमली वाले नूं भेजिया जा रहा। फरमाया जे इत्थे बुला के नबियां नूं नमाज पढ़ा ते लोगां आखना सी मस्जिद अपनी सी किबला अपना सी, इस वास्ते मुसल्ले ते भी आप ही खलो गए। फरमाया नाना किबला जिदा भी होवे इमाम मुहम्मद ही हुंदे। सुभान अल्लाह। मस्जिद तुहाडी, मुसल्ला तुहाडा, मेहराब तुहाडा, पर तुसी मुक्तदी इमाम कमली वाला ही रहेगा। पता चलिया मस्जिद किसे दी भी होवे इमामत मुहम्मद अरबी दी होंदी है। अच्छा, सीधा क्यों नहीं फिर लेके गए इधर क्यों? अस्सलातु मेराजुल, बोलो मैनू पता तो आ गया। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिना दी मेराज। जदों आई ना शबे मेराज ते नबियां अर्ज कीती कमली वालिया आप मेराज करन चले हो तो सानू कौन करावेगा? आख्या तुसी सफा सीधियां करो ते मैं आ रहा। नबियां नालों वड्डा मोमिन कोई नहीं ते नमाज मोमिना दी मेराज है। फरमाया मैं आप मेराज बाद विच करांगा, नबियों पहले तुहानू करा के जावांगा। पता चलिया मेरे नबी नबियां नू नमाज ही नहीं पढ़ा रहे, मेराज करा रहे ने। जरा तसव्वुर करे जे ए हुण जमात खड़ी होवेगी ना ते जदों इमाम साहिब नमाज पढ़ावन गौर करके तसव्वुर च वेखिया जे ओ जिहड़ा पिछली सफ च सब तो बंदा खड़ा होंदा ना जदों सजदे च जावेगा ते ओदा सर अगली सफ वाले दे कदमां च होवेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए। अमीर भी उसे सब च खड़े, गरीब भी उसे सब च खड़े, मालिक फैक्ट्री दा भी उसे सब जी खलोता है ते वर्कर भी उसे सब जी। और ये भी नहीं पता फैक्ट्री वाला पीछे होवे ते नौकर अगे होवे, क्योंकि बारगाह बड़ी है ना। इत्थे तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए। पिछली साहब वाला जो सब खलो के मुसल्ला नमाज पढ़ेगा ते सजदे च जावेगा तो दो सार अगली साहब वाले दे कदमा च होगा। ओदा सार अगली, ओदा सार अगले, ओदा सार अगली साहब वाले दे कदमा च होगा। बिला तशबीह अर्ज कर रहे हैं शबे मेराज जदों नबी सजदे च गए, फिर फितरत दी निगाह ने देखिया यूसुफ दा सिर याकूब दे कदमां विच, याकूब दा सिर इसहाक दे कदमां च, इसहाक दा सिर इस्माइल दे कदमां च, इस्माइल दा सिर इब्राहीम दे कदमां च है ते सारे नबियां दा सिर मुहम्मद दे कदमां। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात, तेरी क्या बात है सोनिया तेरी। सारे नबी सजदे सिर मुस्तफा दे कदमां विच। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी ने नबियां नू नमाज पढ़ाई। अगर सिर्फ नमाज ते ही गल करिए ते वक्त इत्थे ही मुक जाना ते अजे ते बड़ा लंबा सफर है। अजे ते जमीनी मेराज पूरी नहीं होई ते मैं ते आसमान ते खड़ना भी है ते लैके भी आउणा भाई। लंबा सफर बड़ा मेराज वाला। अच्छा नमाज ते मेरे नबी नबियां नू पढ़ा के मस्जिद अक्सा दे अंदर, पर नमाज ते अजे आई नहीं सी। नहीं ना ओके, नमाज ते वुदू मिली जदों हुजूर मेराज करके वापस आए ते अल्लाह फरमाए जे 50 नमाज़ां दा तोहफा लै जाओ ते अजे ते मेराज करन जा रहे ते ए केड़ी नमाज है भाई? ना फजर दा वेला ना ज़ुहर दा ना असर दा ना मगरिब दा ना इशा दा, पढ़ाइयां भी दो रखा की वजह। नमाज केड़ी जिहड़ी नबी करीम फिर मस्जिद अक्सा च नबियां नू पढ़ा के गए, नमाज ते जे आई नहीं। असल च रब कायनात ने जदों मेराज तो बाद नबी करीम नू 50 नमाज़ां दा तोहफा दे के आख्या ना मेरे वल्लों नमाज़ां लै जाओ 50 तोहफे दे अंदर ते अर्ज कीती नमाज़ां लै ते जावां पर पढ़नियां किवें ने? ना रुकू ना सजदा ना क़याम ना कादा, अजे ते कुछ आया ही नहीं। आख्या कमली वालिया और नबियां दे मुसल्ले ते खलो के आ जिहड़ियां अदावां कर रहे हैं ना तेरियां अदावां बड़ियां प्यारियां लगियां ने। ओ अदावां दा नां असां नमाज बना दित्ता है। क़यामत तक जिहड़ा तेरियां अदावां नूं अदा करदा रहेगा असीं उहनूं मिराज करांदे ही रहांगे। इह नमाज कमली वाले दीयां अदावां दा नां है। इह नमाज मेरे नबी, क्योंकि नमाज मिली बाद विच पढ़ के पहले गए ने, पता चलिया कि अल्लाह ने मुहम्मद दीयां अदावां नूं नमाज बना दित्ता है। ते आख्या मेरे यार दीयां अदावां करदे रहा जे ते मैं तुहानूं मिराज करांदा ही रहांगा। कमली वाले नबियां नूं नमाज पढ़ाई मस्जिद अक्सा दे अंदर। इहदे ते निकाह तर्ज करिए ते बेशुमार सारे नमाज मुकम्मल करके फिर नबिया ने खुतबे देने शुरू किए, तकरीरां शुरू हो गई। हर नबी ने अपनी तारीफ की, हर नबी ने अपनी तारीफ की। इहदे ते इक अलहदा तकरीर हो सकती है कि नबियां दे खुतबे की सन। जदों आखिर ते आई ना कमली वाले दी वारी ते मेरे नबी जदों तकरीर की, इंजील दे अंदर लिखा एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे, औरतों का भी इंतजाम होगा ना। तो कमाई उठ के कहन लगी, वाह मरियम तेरी अदमत तू सदके जावा, ईसा वर्गे पुत्र नूं जन्म दिता है जिहड़ा एडी सोहनी तकरीर करदा है। हजरत ईसा फरमान लगे, अम्मा ईसा दी तकरीर सुन के मरियम तू वारी वारी जानी है, तू कदे मुहम्मद दी तकरीर सुन लवे आवें ना तू पूरी कायनात ही वार दे। सोहनी तकरीर मेरा नबी करदा है। सरकार ने जब खुतबा इमामुल अंबिया ने नबियों ने इरशाद फरमाया ना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए। आपने फरमाया सारे ही नबी हो, सारे ने तकरीरां कीतियां, पर मैं ऐलान करना जिवें साडे विच नबी मुहम्मद वर्गा कोई नहीं, इन मुहम्मद वर्गा खुतबा भी किसी का कोई नहीं। आपने फरमाया मैं ऐलान करना वा कि कमली वाला कायनात आखिरी नबी है। ओ नबी है जिहड़ा नबियां दा भी नबी है। नबी भी मन गए, साडे विचों भी मुहम्मद वर्गा कोई नहीं। नौजवानों नबियां नूं खुतबे हो गए। मेरे आका खुतबा दे के बाहर आए, रसूले अरबी फरमांदे ने कि पत्थर ते कदम रख के जदों सरकार दोबारा बुराक ते बैठे ते बुराक उड़िया नाल पत्थर भी उड़िया, पत्थर भी नाल ही उड़िया। जिब्रीले अमीन वेख रहे पत्थर भी नाल उड़िया। मेरे आका फरमाया कि सखरा ओ पत्थर ठहर जा, ओ पत्थर जमीन तो ऊंचा हो गया पर ठहर गया। आओ न पूछिए तेरी बरादरी जमीन ते रहती है, तू बड़ा ऊंचा हो के लगा फिरना है। पत्थर जो आवाज आवेगी मैं मुहम्मद कदम न लगे, ये रे यार दे कदम ही लग जान। और नीवें कदू रहते ने उच्चे हो के लगे फिर दे मुहम्मद लग जाओ। जिन्हों समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। हाथ चुक के बोलो मेरी तसल्ली करा दो। पत्थर जमीन तो उड़िया। हजूर ने फरमाया कि ठहर जा, उथे ही ठहर गया। आज भी उथे ही ठहर जा। उधर नीचे कोई सुतून भी नहीं, कोई आसरा भी नहीं, कोई टेक भी नहीं, कोई सहारा भी नहीं, पर खड़ा है। पूछो नाल में तसव्वुरात जो पत्थरा वो तेरे नीचे ते सहारा कोई नहीं ते खलोता किवें। वो कहेगा जिन्हों मुहम्मद का सहारा लभ जाए उन्होंने कोई लोड़ है किसी होर दा सहारा, जिन्हों सहारा ही मुहम्मद अरबी दा लभ जावे। बस सरकार इरशाद फरमा एक सीढ़ी आसमान तो लेके जमीन तक उतारी गई। बाज़ रवायत के मुताबिक नबी करीम सीढ़ी के जरिए बुर्राक ते बैठ के आसमान तक गए। गिरामी कदर हजरात सीढ़ी के निकाह तर्ज करिए अलग बात। वैसे उंज कदे एक कदम उठा के देखिया जे, फिर दूसरा भी उठाया जे, ते तुसा गौर करके देखोगे जदों इंसान दोनों कदम उठांदा है तो जमीन वाल नीचे वाल आंदा है। उसूल कुदरत है, फितरत दा उसूल है। इंसान जदों दोवें कदम उठांदा है कशिश सकल जमीन दे अंदर जिहड़ी कशिश होंदी है वो इंसान नूं नीचे वाल, हर चीज नूं नीचे वाल लेके आंदी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल एक बंदा आया तो उन्हें आख्या जदों किस्मत लिख दित्ती है, अगर किस्मत च गुनाह करना लिखा तो इंसान कर भी लवे ते इंसान नूं अजाब क्यों? क्योंकि किस्मत च पहले गुनाह लिखा सी, अगर उन्हें कर लिया तो फिर बंदे गुनाह कर दे, फिर उन्होंने सजा क्यों दी जाती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया एक पैर उठा, उन्हें पाँव उठाया, फरमाया दूसरा भी उठा, उन्हें आख्या जी दूसरा तो नहीं ना चुकया जाता, फरमाया बस एक पैर उठाना तेरे इख्तियार च सी, दूसरा उठाना रब के इख्तियार च, इंजी कुछ रब ने इख्तियार अपने को रखा है, कुछ तेनों भी देता है। इंसान जब दोवें कदम उठावे तो जमीन वाल आंदा है, मेरे नबी दोवें कदम मुबारक उठाए तो खुदा वाल जा रहे, तेरी बुलंदी तो सदके जावा, हुण मेरे नबी आसमान वाल जा रहे। ग्रामी कदरात चले जो हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुंचे, उठे जो हजरत ईसा फलक के पूर तक पहुंचे। नजर वालों जरा देखो की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुँचे, चले बैतुल हरम से और खुदा के नूर तक पहुँचे। पहला आसमान आया, जिब्रील ने आसमान का दरवाजा खटकाया, तो आवाज आई कौन, आख्या जिब्रील, तो आवाज आई मम्मा का नाल कौन है। मेरी बात तवज्जो ना सुनिया गया, तो दरवाजा खटकाया जाए, बैल की जाए, डोर बैल, तुम पूछते हो कौन, बाहरों आवाज आई मैं फुलावा, कदे पूछा जे नाल कौन है, नहीं ना, क्योंकि मकसूद हासिल हो गया, जेड़ा आया उदा पता लग गया कौन है, ये जरूरत नहीं के नाल कौन है। पर जब जिब्रील दरवाजा खड़कांदे ने ते पूछया जांदा कौन, कहंदे ने जिब्रील ते नाल पूछया जांदा है वो मम्मा का नाल कौन है। हालांकि बिल्कुल गैर जरूरी सवाल है, और जाए हैरत है कि ये वो दरवाजे ने जिन रोज जिब्रील कई मरतबा क्रॉस करदा, कदे किसे पूछया ही नहीं कहो किथे जा रहे हो ते किथे आ रहे हो, पर आज जिब्रील दरवाजा खड़कांदे ने ते पूछा जांदा कौन, आखे जिब्रील नाल कौन। हुन इथे सवाल की पहला सवाल ते एक क्यों पूछदे, बाज उराफा ने एक गल लिखी है कि इंज लगदा जिवें फरिश्तियां अज मशवरा कीता है कि जिब्रील गए ने सरकार नूं लैण, जे ते आउण हुजूर नूं लैके ते ठीक है, ते जे आउण कल्याण आज दरवाजा ही नहीं खोलना, आज दरवाजा ही नहीं खोलना चे जिब्रील कले आवन। इस वास्ते पूछदे ने नाल कौन, मगर इथे आके हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत की बात लिखी, आप फरमाते ने किसे कदे पूछया नहीं के नाल कौन है, पर फरिश्ते आज इस वास्ते पूछदे ने कि आज जिवें सूरज तुलू होण तों पहले अजे सूरज नजर नहीं आता, मगर रोशनी मशरक वाल हो जाती है ना, अजे सूरज तुलू नहीं होया मगर रोशनी पहले ही आ जाती है। असल च नबी पाक ते अजे आसमान तो नीचे ने, उंज आसमान की मोटाई 500 साल का सफर है मोटा, पर हजूर दे नूर दियां शुआवां आसमान क्रॉस करके उत्ते जा रही हैं, ते फरिश्ते पूछदे ने नाल कौन है। आज दा नूर आसमान क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं, इन नाल कौन है। तेरे चेहरे दे नूर तू सदके जावा, मियां साहब फरमाते ने सूरज वांग नूरानी मत्था ते नजर न कीती जावे, जे पत्थर दिल वाला तके अखी पानी आवे। एडा सोहना मेरा नबी जिब्रील अमीन कहते हैं मैं जिब्रील, पूछा जाता नाल कौन है, जिब्रील कहते हैं मेरे नाल मुहम्मद, मेरे नाल मुहम्मद। अजे मुहम्मद कहते हैं दरवाजा खुल जाता है, एक दो तो लैके 7वें आसमान तक हर आसमान से पूछया गया नाल कौन है, जिबरील कहते हैं मुहम्मद, जदों मुहम्मद कहते हैं दरवाजा खुल जाता है। नौजवानों पता चले आसमान के दरवाजे ओ ऊपर वाली दुनिया के दरवाजे मुहम्मद के नाम के नाल खुल देन। साडे दरवाजे चाबी नाल खुल देने, उते मुहम्मद के नाम दा कोड है। जदों मुहम्मद कहिए दरवाजे खुल देन। सुनिया ली कम सौखा ही हो गया है। ये दुनिया के भी नारे मुहम्मद मार दे, कयामत नू भी असा नारे मार दिया जाना है। दरवाजे जन्नत दे खुल दे जाने। पता चलिया उसे नाम मुहम्मद का चलता है। कोई बंदा आ जाए तो आखे जी आसी साहब मेरा फलाना काम होना चाहिए, तू फलाना बंदा तुहाडा वाकिफ है, जरा मेरे नाल चले जे मेरा काम करा दे जे। बंदा तुहाडी मान लैंदा है ते मैं कार्ड दे के आखांगा यार मेरा जाना कोई जरूरी नहीं, बस तू मेरा कार्ड विखाना तेरा काम हो जाएगा, है ना। वाकिफ होवे तुहाडा या मेरा ते कार्ड भी काम कर जांदा है। आप ना भी जाइए उथे चलदा ही मुहम्मद चलदा ही कमली वाले दा नाम है। बस सोने दा नाम लो कम हो जाता है। जिन्हें जिन्हें हुजूर दा नाम लेना उदा कम हो जाना है। उथे हुजूर दा नाम चलदा है। गिरामी कदर जिबरील कहंदे ने मेरे नाल मुहम्मद दरवाजे खुल जांदे। कसम रब्बे काबा दी किस्मत दे दरवाजे भी इसे नाम नाल ही खुलदे ने। ख्वाजा गुलाम फरीद ने आख्या सी मुहम्मद, ख्वाजा गुलाम अहमद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, ते लबां दे बनेड़े सजेंदे गुजर गई। गिरामी कदर अगले जुमे इंशाल्लाह कोशिश करांगे कि मैं जल्दी जल्दी ना मेराज शरीफ दा वाकिया खत्म करिए, क्योंकि महीना बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाला है। अगले जुमे इत्थे गल शुरू कर लवांगे। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।